हेलो फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव पावर पॉइंट डिजाइंस फॉर अट्रैक्टिव वीडियो रिकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। हमने ये वीडियो सीरीज हम इसलिए बना रहे हैं कि आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ताकि आपके जो वीडियोज़ आप उससे बनाने वाले हो, वो वीडियोज़ भी आप अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकें। इस सीरीज़ के पहले वाले लेक्चर्स देखने हैं तो कार्ट में लिंक है, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपको इस सीरीज़ के पहले वाले सभी वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगे। तो इस पार्ट में हम देखने वाले एनिमेशन का इस्तेमाल, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन का कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हमें यूज करना चाहिए कि हमारा वीडियो अट्रैक्टिव लगे। क्यों आप सोचेंगे कि हम एनिमेशन यूज करते हैं, इसमें नया क्या है? जी नहीं, इसमें नया कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको आपके वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो मेकिंग में बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो चलिए हम एनिमेशन के देखते हैं कि हम स्लाइड्स को कैसे एनिमेशन यूज करें। ये है हमारा प्रेजेंटेशन, हमने इतने सारे सेशंस में थोड़ा 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 करके ये प्रेजेंटेशन हमारा फाइनल कर दिया। सपोज ये हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन हो गया है तो हमें अब इसको एनिमेशन देना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, विदाउट एनिमेशन ये मेरा प्रेजेंटेशन रन करके देखता हूँ क्या होता है। स्लाइड शो, नेक्स्ट 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 और एंड। ठीक है, मतलब जब भी मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ तो मेरी पूरी स्लाइड के कंटेंट्स सामने आ जाते हैं। जब आप एजुकेशनल वीडियो बनाओगे, आप एक ही क्लिक पे, एक ही झटके में अगर आप स्लाइड्स पे कंटेंट लाते हो तो जो भी कोई लिसनर है उसका का ध्यान, आप जो बोल रहे हो उसकी तरफ ना जाते हुए उसका ध्यान पूरा आपके स्लाइड पे कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वो स्लाइड पूरा रीड करने लगता है। तो आप कुछ एक पॉइंट को पकड़ के कुछ उस पॉइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो व्यूअर कुछ अलग ही रीड करता कर रहा होता है। तो ये अवॉइड करने के लिए, यूजर को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, स्लाइड्स को एनिमेशन देना है, अच्छा एनिमेशन। उस कारण क्या हो जाए, व्यूअर को सिर्फ वही पॉइंट दिखे जो आप बोल, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे एनिमेशन है, लेकिन हमें कौन सा एनिमेशन यूज करना है वो हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे एनिमेशन का यूज करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा स्लाइड के एनिमेशन में। पहली स्लाइड को एनिमेशन नहीं देते, सेकंड स्लाइड से शुरू करते हैं। तो सेकंड स्लाइड में आके एनिमेशन देते हैं, सपोज स्टेटमेंट, इसको एनिमेशन देते हैं। हमेशा इतने सारे एनिमेशन हैं, बहुत ही अलग 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 तरह के एनिमेशन हैं, लेकिन आपको इनमें से कौन से एनिमेशन का यूज करना है? एक अपीयर। चलिए देखते हैं अपीयर कैसे दिखता है। मैं करता हूं व्यू शो, स्टेटमेंट, डायग्राम, प्रूफ, कंक्लूजन, नेक्स्ट। ओके, मतलब एक एक पॉइंट आ जाएगा। कैसे एक एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे नंबरिंग है। फर्स्ट नंबर, ये जो पूरा मेरा बैकग्राउंड है उसको फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। लेकिन एक बात पे आपने ध्यान दिया होगा, तो ये टाइटल मेरा पहले ही आ रहा है। अगर आप स्लाइड को एनिमेशन दे रहे हो तो कंप्लीट स्लाइड के कंटेंट्स को एनिमेशन देना चाहिए। ठीक है, तो मुझे इस टाइटल को भी एनिमेशन देना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ, इसको टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ अपीयर पे। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये स्क्वायर है, ये बैकग्राउंड पहले आएगा, उसके बाद स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद प्रूफ, उसके बाद कंक्लूजन और उसके बाद जाके टाइटल आएगा। देखते हैं ऐसा ही होता है क्या, स्क्वायर आ गया, ठीक है, और फिर टाइटल आ गया। ये तो गलत बात हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस एनिमेशन को फर्स्ट आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बटन है एनिमेशन पेन का, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये आ जाएगा एनिमेशन पेन। यहाँ पे आप सभी के एनिमेशन देख सकते हैं कि पहला एनिमेशन किसको है, दूसरा किसको है, तीसरा किसको है, लेकिन ये जो सिक्स पोजीशंस पे है मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट पे। तो मैं सीधा इस पर क्लिक करूँगा और इसको ड्रैग करके फर्स्ट पोजीशन में लाऊँगा। तो देखिए आपके यहाँ का नंबर चेंज हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। और अब देख
देखता हूँ स्लाइड शो करके, टाइटल आ गया, बैकग्राउंड आ गया और उसमें कंटेंट्स आ गए, सॉरी। ठीक है, मतलब आपको ये अपीयर वाला एनिमेशन लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अपीयर बहुत ही जस्ट एक ही जगह पर अपीयर हो रहा है, अगर थोड़ा मुझे डिफरेंट चाहिए, तो मैं सिर्फ रिकमेंड करूँगा आपको फ्लाई इन की। और फ्लाई इन, सिर्फ फ्लाई इन नहीं, इफेक्ट ऑप्शन में जाके फ्लाई फ्रॉम राइट। ठीक है, देखते हैं ये कैसे इफेक्ट देता है। सॉरी, हमने इसको एनिमेशन दे दिया, हमें इन्हें नहीं देना, हमें तो टेक्स्ट को एनिमेशन देना है। तो मैं इसका एनिमेशन रिमूव कर देता हूँ और मैं देता हूँ एनिमेशन टेक्स्ट, टेक्स्ट को फ्लाई इन, ये नीचे से ऊपर आ रहा है, मैं इफेक्ट ऑप्शन में जाकर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ ऑनलाइन आउटलाइन कंटेंट। अभी मैंने ये बैकग्राउंड का एनिमेशन रिमूव कर दिया है, इसलिए पहले आ गया और इसके बाद सभी लाइंस एकदम आ रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ पे क्लिक करके विथ प्रीवियस है उसको करना पड़ेगा स्टार्ट ऑन माउस क्लिक। तो सबको मुझे करना पड़ेगा स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट ऑन क्लिक। ठीक है, तो मैं देख सकूंगा 1, 2, 3, 4। तो आपको, आपके समझ में आएगा अगर एनिमेशन आपका एक साथ और चीजों को भी आ जाए तो आपको कैसे रिमूव करना है। मैं इसको भी एक अपीयर वाला एनिमेशन दे देता हूं। आप ऐसे एनिमेशंस सबको, सभी आपके स्लाइड्स के कंटेंट को दे सकते हैं। आप वैसे ही आप इसको भी एनिमेट कर सकते हैं। मैं करता हूं अपीयर, इसको भी अपीयर कर देता हूं, तो एक के बाद एक आ जाएगा। इसको भी अपीयर कर देता हूं, फिर उसके बाद इसको कर देता हूं, पहले आइकॉन को और उसके बाद टेक्स्ट को। देखते हैं क्या होता है। टाइटल आ गया, बैकग्राउंड आ गया, फिर आया एक आइकन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फिर आया आइकन, उसके बारे में उसका टाइटल। आप आइकन और टाइटल को एक साथ भी एनिमेट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और दोनों को एक ही टाइम पे एनिमेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा एक ही साथ टाइटल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पावर पॉइंट डिजाइन से लेकर एनिमेशन लगाने तक का जो भी हमारा ये वीडियो सीरीज था, ये वीडियो सीरीज अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।